पहली बात जो लक्ष्मण को रावण ने बताई वह यह थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना चाहिए और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, अर्थात शुभस्य शीघ्रम। मैं प्रभु श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देर कर दी, इसी कारण मेरी यह हालत हुई। यह मैं पहले ही पहचान लेता तो मेरी यह गत नहीं होती। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी शिक्षा यह दी कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। महापंडित रावण ने लक्ष्मण को तीसरी सीख यह दी कि मैंने जब ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा था, तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध ना कर सके ऐसा वर मांगा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानरों को तुच्छ समझता था। यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी। रावण तपस्वी था। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था और उसने तप के ही बल पर सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनि देव को रावण के बंधन से मुक्त करवाया था। उल्लेखनीय है कि तप का प्रथम रूप है संकल्प और व्रत। जो व्यक्ति संकल्प और व्रत साथ लेता है वह हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। संकल्प और व्रत के अभ्यास से ही तपस्वी बना जा सकता है। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसने ही शिव की स्तुति में तांडव स्त्रोत लिखा था। रावण ने ही अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्रकृति कामधेनु, प्रकृत लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य, रावणियम, नाड़ी परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना की थी। रावण में पुस्तक पढ़ने और पुस्तक लिखने की रुचि थी। प्रत्येक व्यक्ति में पुस्तकें पढ़ने की रुचि होनी चाहिए। पुस्तकें हमारी अच्छी शिक्षक और मार्गदर्शक होती हैं। यह हमारी बुद्धि को तेज बनाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।